दोस्तों नमस्ते। दोस्तों मैं डॉक्टर नित्यानंद, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट पे डिस्कस करने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और मैं प्रॉमिस करता हूं यदि आपने इसको स्लो मोशन में देख लिया, इसको नोट डाउन कर लिया, तो फिर मुझे लगता है बुक पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सफिशियंट है वीडियो, ठीक है। और ये इसलिए इंपॉर्टेंट है, यदि आप पिछले इयर्स का क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो मैक्सिमम टाइम ये क्वेश्चन यहां से एराइज हुए हैं। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट, या इसको एक चीज और नाम से जाना जाता, लंग्स फंक्शन टेस्ट, लंग फंक्शन टेस्ट के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर। अब पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट आर लंग फंक्शन टेस्ट आर यूजफुल इन एसेसिंग द फंक्शनल स्टेटस ऑफ रिस्पायरेटरी सिस्टम। ये क्या करता है, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट के द्वारा ही हम फंक्शनल स्टेटस का आकलन करते हैं, अपने रिस्पायरेटरी सिस्टम के फंक्शनल स्टेटस का आकलन करते हैं। क्लियर। और इसके लिए हम लोग यूज क्या करते हैं, जो हमारे पास पल्मोनरी फंक्शन को टेस्ट करने के लिए हम लोग जिसको यूज करते हैं उसको बोलते हैं स्पायरोमीटर। क्लियर। यूज फॉर पल्मोनरी फंक्शन। क्लियर। पल्मोनरी फंक्शन के लिए हम लोग स्पायरोमीटर का, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट के लिए हम लोग स्पायरोमीटर का यूज करते हैं। यहां तक तो क्लियर हो गया। इससे हम आकलन करते हैं कि हमारा लंग्स का फंक्शन किस टाइप से वर्क कर रहा है, ये भी क्लियर। अब बात करेंगे, देयर आर एयर इन लंग्स क्लासिफाई इनटू टू डिवीजन। इसकी स्टडी हम दो पार्ट में करते हैं, पहला हो गया लंग्स वॉल्यूम, दूसरा हो गया लंग्स कैपेसिटी। पहला लंग्स वॉल्यूम, दूसरा लंग कैपेसिटी। तो लंग्स वॉल्यूम जो होता है फोर टाइप्स के होते हैं, फोर टाइप्स के, ठीक है। पहला हो गया टाइडल वॉल्यूम, दूसरा हो गया इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, तीसरा हो गया एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, फिर चौथा हो गया वाइट रेसिडुअल रेसिडुअल वॉल्यूम। यहां तक क्लियर हो गया। हाँ, अब हम लोग, अच्छा, टाइडल वॉल्यूम को टीवी से डिनोट किया जाता है, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को आई आर एस से, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को ई आर एस से, और रेसिडुअल वॉल्यूम को आरबी से, ये भी क्लियर। टाइडल वॉल्यूम टीवी, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को आई आर वी, हाँ ठीक है, और एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को ई आर एस, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम होगा ना भाई, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ठीक है, और इसको रेसिडुअल वॉल्यूम को आरबी से। अब हम लोग टीबी की बात करेंगे, टाइडल वॉल्यूम की बात करेंगे। टाइडल वॉल्यूम होता क्या है, हम लोग ये जो नॉर्मली सांस ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं, इसी वॉल्यूम को हम लोग बोलते हैं टाइडल वॉल्यूम। क्लियर। टाइडल ए वॉल्यूम ऑफ एयर ब्रीथ इन एंड आउट ऑफ लंग्स इन ए सिंगल नॉर्मल क्वाइट वॉल्यूम। यहाँ पे क्या हुआ, नॉर्मल क्वाइट वॉल्यूम मीन्स हम यहाँ पे बैठे हैं और सांस ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, इसी को बोलते हैं टाइडल वॉल्यूम। तो एक बार में जो हम सांस लेते हैं वो कितना ml लेते हैं, 500 ml मीन्स आधा लीटर, ये भी क्लियर। और जो सांस छोड़ते हैं वो कितना छोड़ते हैं, आधा लीटर, 500 ml। अगर आराम से बैठे हैं और कुछ भी काम कर रहे हैं, जो सांस एक बार में ले रहे हैं, कितनी बार सांस लेते हैं, 12 से 16 बार। क्लियर। तो एक बार जो सांस ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं नॉर्मली, उसी को टाइडल वॉल्यूम बोलते हैं। ये क्लियर हो गया। अब बात करेंगे आईआरवी। आईआरवी का मतलब इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इट इज एडिशनल वॉल्यूम। ये क्या हो गया, एडिशनल वॉल्यूम हो गया।
ऑफ एयर कैन बी इंस्पायर फोर्सफुली आफ्टर एंड ऑफ नॉर्मल इंस्पायरेशन। इसको हम लोग नॉर्मली जो ले रहे हैं सांस, इसको छोड़ के जैसे सांस हमने लिया, इसके अलावा जो एडिशनल हम लोग लेते हैं, ठीक, मतलब एक डीप इंस्पायरेशन की, इस तरह समझ में आएगा आप लोगों को। तो मैक्सिमम ये मेरी क्षमता कितनी, कितना एयर हम लोग ले सकते हैं, 3300 ml माने 3.3 लीटर। एक क्लियर हो गया, नॉर्मल जो सांस लिए, ये नॉर्मल हमने सांस ले लिया, उसके बाद जो सांस खींच लिया उसको छोड़ के, उसके बाद जो हमने मैक्सिमम एयर अपने अंदर कंज्यूम किया लंग्स में, उसी वॉल्यूम को बोलते हैं इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इसकी ये कितना होता है, 3300 ml। एक क्लियर यहां तक, नहीं समझ में आएगा कमेंट करिएगा, फिर दोबारा बनाएंगे ये। इस पे मेरा बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है और मैंने इसको काफी अच्छे से प्रिपेयर किया था, क्यों, क्योंकि इससे क्वेश्चन जरूर एग्जाम में अराइज होता है। अब बात करेंगे ईआरवी, अभी मैंने बोला था ईआरवी मतलब एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ठीक है। तो एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कितना होता है, इट इज एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर कैन बी एक्सपायर आउट फोर्सफुली आफ्टर, ये सबसे इंपॉर्टेंट, आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन, मींस ये हमने नॉर्मली एक्सपायरेशन किया, उसके बाद हम कितना एक्सपायरेट और कर सकते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ये हमने जो भी मतलब एक नॉर्मली हम सांस ले, नॉर्मली छोड़ दी, उसके बाद सॉरी मतलब नॉर्मल जो हमने एक्सपायरेट किया, उसके बाद जो भी हम एयर छोड़ सकते हैं मैक्सिमम, इसी वॉल्यूम को बोलते हैं एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। यहां तक क्लियर हो गया। इसकी इसकी क्वांटिटी कितनी होती है, नॉर्मल वैल्यू इसकी होती है 1200 ml। यहां तक क्लियर हो गया, ठीक है। अगर नहीं क्लियर होगा तो आप हमसे गलती बोल गया। इसकी एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम की जो नॉर्मल कितना हम एक्सपायर कर सकते हैं, 1000 ml, बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी हम लिख देते हैं, लास्ट में उसको नोट कर देंगे। जैसे टाइटल वॉल्यूम कितना होता है, 500, आईआरवी कितना होता है, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कितना होता है, अभी बताया 3300 ml। फिर हमने बोला ईआरवी जो सांस मैक्सिमम छोड़ रहा है, एक नॉर्मल क्वाइट कंडीशन में शांत स्थिति में बैठे हुए, उसके बाद एक नॉर्मली हमने सांस छोड़ा, उसके बाद हम जो मैक्सिमम सांस अपना एक्सपायरेट कर सकते हैं, उसकी मात्रा कितनी होती है, 1000 ml। क्लियर हो गया, 1200 नहीं बताना था, 1200 रेसिडुअल वॉल्यूम कहते हैं, ठीक है। अब रेसिडुअल वॉल्यूम देखते हैं क्या है, एयर रिमेनिंग इन लंग आफ्टर फोर्सफुली एक्सपायरेशन। अच्छा, एक बात और समझ लेना है कि हम फोर्सफुली एक्सपायरेट भी कर देते हैं, जैसे ये मैंने एक एक्सपायरेट कर दिया मैक्सिमम वॉल्यूम, उसके बाद भी मेरे लंग्स में कुछ एयर रह जाते हैं, बचे रहते हैं, उसी वॉल्यूम को हम लोग बोलते हैं रेसिडुअल वॉल्यूम। बिकॉज नॉर्मली लंग्स कैन नॉट बी एम्प्टी कंप्लीटली आफ्टर फोर्सफुल एक्सपायरेशन, मींस हम फोर्सफुल एक्सपायरेट भी कर दिए, उसके बाद भी हमारे लंग्स से पूरे एयर नहीं बाहर आएंगे, उसमें कुछ एयर्स रह जाते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं रेसिडुअल वॉल्यूम, जिसकी क्वांटिटी होती है 1200 ml, नहीं 1200 ml, मींस 1 लीटर 200 ml। क्लियर हो गया, हाँ। तो अब हम लोग ऐसे समझ लें, टीवी कितना होता है, टाइटल वॉल्यूम कितना, 500 ml, आईआरवी कितना होता है, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कितना होता है, 3300 ml, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कितना होता है, 1000 ml, मुझे तो याद हो चुका है, और रेसिडुअल वॉल्यूम कितना होता है,
1200 ml मीन्स 1200 ml, ये क्लियर हो गया। अब अभी हम लोगों ने बोला था इसको दो पार्ट में क्लासिफाई किया गया, फर्स्ट पार्ट को हमने बोला लंग्स वॉल्यूम, दूसरे पार्ट की जो हम स्टडी करेंगे उसको बोलते हैं लंग्स कैपेसिटी। लंग्स कैपेसिटी में हम लोग क्या स्टडी करते हैं, लंग्स कैपेसिटी एक कॉम्बिनेशन होता है टू आर मोर लंग्स वॉल्यूम का। लंग कैपेसिटी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ यहां पे एक चीज हमने छोड़ दिया, इसको ऐड कर दें, आरबी कितना होता है 1200 ml, छूट गया था, इसको नोट कर ले और इसको याद कर ले। अब लंग कैपेसिटी क्या होता है, लंग कैपेसिटी जो होता है कॉम्बिनेशन होता है टू आर मोर लंग्स जो वॉल्यूम का, जो लंग्स वॉल्यूम होते हैं उसमें दो या दो से ज्यादा का कॉम्बिनेशन होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं लंग्स कैपेसिटी। लंग्स कैपेसिटी आर ऑफ फोर टाइप्स, लंग कैपेसिटी भी कितने टाइप्स की होती है, फोर टाइप्स के होते हैं। लंग्स वॉल्यूम भी कितने टाइप्स के होते हैं, फोर टाइप्स के होते हैं। लंग्स वॉल्यूम में हमने क्या देखा, तो बार बार रीजन इसलिए कर रहे हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को याद हो जाए, एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। यदि नहीं क्लियर होता कमेंट करिए, मैं दोबारा इसको बताऊंगा, और मुझे लगता है इसके बाद ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप लोगों को ये समझ में ना आए। लंग्स वॉल्यूम में हमने क्या देखा, टाइडल वॉल्यूम देखा, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम देखा, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम देखा, फिर देखा रेसिडुअल वॉल्यूम, सबकी क्वांटिटी देख लिया। अब हम लोग बात करेंगे लंग कैपेसिटी और फोर टाइप्स। पहला क्या होता है इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, दूसरा होता है वाइटल कैपेसिटी, तीसरा होता है फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी, टोटल लंग कैपेसिटी। तो अब इंस्पायरेटरी कैपेसिटी को हम आई से डिनोट करेंगे, ये क्लियर हो गया। वाइटल कैपेसिटी को हम डिनोट करेंगे वीसी से, ठीक है। फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी को हम डिनोट करेंगे एफ से फंक्शनल, आर से रेसिडुअल और कैपेसिटी सी से कैपेसिटी। फिर टोटल लंग्स कैपेसिटी को हम डिनोट करेंगे टीसी से, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं आईसी क्या होता है। इट इज मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर दैट इज एक्सपायर्ड आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन, इट इंक्लूड टाइडल वॉल्यूम एंड एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। नहीं समझ में आएगा, समझाते हैं। एक मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर, मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर इज इंस्पायर्ड आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन। एक्सपायरेशन कैसे होगा, इंस्पायरेशन होगा, नॉर्मल इंस्पायरेशन, इंस्पायरेशन की बात की जाए, हाँ ठीक है। तो इसमें क्या होगा, हमने नॉर्मली इंस्पायरेशन लिया जो जिसको हम लोग बोलते हैं टीबी, कितना लिया 500 ml, जो मैं पिछले वीडियो में बताया। फिर ए मैंने नॉर्मल लिया 500 ml ले लिया, उसके बाद मैक्सिमम कितना इंस्पायर कर सकते हैं, इसको बोलते हैं IRV, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, कितना है 3300 ml, मैंने बताया था। तो 500 क्या हो गया, टाइडल वॉल्यूम हो गया, और इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कितना हुआ 3300 ml, बताया हूं। तो टोटल मात्रा कितनी हो गई 3800 ml, क्लियर हुआ या नहीं। फिर एक बार बताते हैं, आईसी मींस इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, हमारे लंग्स की इंस्पायरेटरी कैपेसिटी कितनी है। तो कितनी है, एक बार तो हमने नॉर्मल टीवी तो ले लिया, एक नॉर्मल एयर ले लिया, टाइडल वॉल्यूम जो था ये गया, बात आपसे कर रहे हैं, मैं सांस ले रहा हूं छोड़ रहा हूं, तो एक बार में कितना सांस ले रहा हूं, उसी को बोलते हैं टीवी, टाइडल वॉल्यूम 500 ml ले लिया। उसके बाद मैक्सिमम कितना ले सकते हैं,
टीवी के बाद मैक्सिमम हम जो एयर ले रहे हैं उसको बोलते हैं आईआरवी, इंस्पायरेटरी रिजर्वल। कितना ले रहे हैं? 3300 ml। तो टोटल 500 ml टाइडल वॉल्यूम होगा, 3300 ml जो होगा इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम होगा। टोटल कितना हुआ? 3800, 3800 ml। मीन्स 3 लीटर 800 ml हम लोग इंस्पायरेटरी कैपेसिटी होती है हमारे लंग्स की, ठीक है। इसको हम लोग चेक कैसे करते हैं? स्पायरोमीटर से, क्लियर। अब यहीं पे हम लोग बात करेंगे वाइटल कैपेसिटी के, हमारे लंग्स की वाइटल कैपेसिटी कितनी। इट इज मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर दैट कैन बी एक्सपेल्ड आउट फोर्सफुली आफ्टर ए डीप इंस्पायरेशन। जो हमने डीप इंस्पायरेशन लिया, एक डीप इंस्पायरेशन ये ले लिया, एक तो नॉर्मल सांस गया, सांस छोड़ा, टीवी, एक डीप इंस्पायरेशन ले लिया, उसके बाद जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर हमने छोड़ा दैट इज ईआरवी। तो इट इज मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर दैट कैन बी एक्सपेल फोर्सफुली आफ्टर ए डीप इंस्पायरेशन। समझ में आया? नहीं आया, ऐसे समझ। हमने एक नॉर्मली सांस लिया, ठीक है, लेने के बाद हमने जो सांस मैक्सिमम छोड़ा तो क्या क्या इसमें ऐड होगा? टीवी, जो एक सांस तो ऐसे थोड़ी छूटी और एक सांस मैक्सिमम छूटी, साथ में आईआरवी जो हमने एक डीप इंस्पायरेशन लिया था, तो कितना था? 3300 ml, फिर 500 ml टीवी, फिर ईआरवी कितना है? 1000 ml। टोटल कितना हो गया? 4800 ml। इसके लिए जो फार्मूला हम लोग यूज करते हैं, टीवी इक्वल टू, सॉरी, वीसी इक्वल टू टीवी प्लस आईआरवी प्लस ईआरवी, ये फार्मूला यूज होता है, ठीक है। इसके लिए क्या फार्मूला यूज होता है? आईसी के लिए, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी के लिए, ये हम लोग वाइटल कैपेसिटी देख रहे थे, अभी हम लोग फिर एक बार बात कर रहे हैं इंस्पायरेटरी कैपेसिटी के लिए क्या फार्मूला यूज होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और एक कितना अमाउंट है वो भी इंपॉर्टेंट। आईसी के लिए टीवी प्लस आईआरवी। अब हम लोग यहीं पर बात करेंगे ठीक है, फंक्शनल रेसिडुअल वॉल्यूम। फंक्शनल रेसिडुअल वॉल्यूम क्या होता है? इट इज वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग इन लंग्स, मींस एयर जो लंग्स में रिमेन कर गया, दैट आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन, इट इंक्लूड एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम एंड रिजर्व वॉल्यूम। फंक्शनल क्या हो गया? फंक्शनल रेसिडुअल वॉल्यूम, इट इज वॉल्यूम ऑफ एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, जो मतलब जो मैं मैक्सिमम एयर छोड़ रहा हूं, ईआरवी। ईआरवी क्या होता है? एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। मैक्सिमम कितना छोड़ते हैं हम लोग? 1200 ml, और सॉरी यार क्या 1200 नहीं 1000 ml। ईआरवी कितना होता है? बार बार बोल रहा हूं, इसमें थोड़ा सा ए याद करना पड़ेगा। ईआरवी कितना होता है देखिए, अभी मैं बता देता हूं। टीवी कितना होता है? 500 ml। आईआरवी कितना होता है? 3300 ml। फिर ईआरवी कितना होता है? एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम 1000 ml। फिर आरवी कितना होता है? 1200 ml। क्लियर। इसमें थोड़ा सा कभी कभी कंफ्यूजन हो सकता है, इसके लिए हम लोग को ये अच्छे से याद करना पड़ेगा। तो फंक्शनल रिजर्व वॉल्यूम क्या होता है? मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर जो हम एक्सपेल करते हैं आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन, नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद उसको इंक्लूड किया जाता है साथ में एक्सपायरेटरी रिजर्व, नहीं रिजर्व वॉल्यूम, जो रेसिडुअल वॉल्यूम होता है, जो रिजर्व एयर हमारे लंग्स में होता है उसको हम लोग ऐड कर लेते हैं, दैट इज फंक्शनल रेसिडुअल वॉल्यूम। ये कितना होता है?
ईआरवी कितना होता है 1000 ml, आरवी कितना होता है 1200 ml, टोटल मात्रा कितनी हो गई 2200 ml। यहां तक क्लियर हो गया? ठीक है, होना भी चाहिए। टीएलसी टोटल ल्यूकोसाइट काउंट की बात नहीं हो रही है, टीएलसी मीन्स टोटल लंग्स कैपेसिटी, लंग्स की टोटल कैपेसिटी कितनी होती है। वॉल्यूम ऑफ एयर प्रेजेंट इन द लंग्स आफ्टर डीप ब्रीथ, हमने जो डीप ब्रीथ किया, एक तो नॉर्मली ऐसे ब्रीथ किया, ऐसे बैठा नॉर्मल ब्रीथ ले रहा है छोड़ा, उसके बाद मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर डीप ब्रीथ लिया, तो उस समय हमारे लंग्स की टोटल कैपेसिटी कितनी है, टोटल लंग कैपेसिटी टीवी कितना है 500 ml, मींस हम 500 ml तो पहले खींच चुके हैं ऐसे नॉर्मली, फिर कितना खींच लिया, कितना लिया 3300 ml, आईआरवी 3300 ml, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इसको हम जब स्टार्टिंग में सोचें कि एआरवी तो एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है, इसको क्यों ऐड किया जाए, तो ब्रदर एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम ऑलरेडी मेरे लंग्स में पड़ा हुआ है, उसको जब तक हम निकालेंगे नहीं, एक्सपायरेट नहीं करेंगे। जैसे ये मैं एक सांस लिया, एक नॉर्मली ब्रीथिंग लिया, उसके बाद एक डीप ब्रीथिंग लिया, तो क्या हमने एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, क्या जो उसको एक्सपायरेटरी जो रिजर्व वॉल्यूम है क्या उसको मैंने निकाला, नहीं ना, वो मेरे लंग्स में है। अब मैं चाहूं तो उसको निकाल सकता हूं, जैसे ऐसे समझे, ये सांस लिया, गहरी सांस लिया, मेरे अभी लंग्स में क्या है, कितना एयर बना हुआ है, उसको हम ऐसे निकालेंगे, तो हम निकालने की बात नहीं कर रहे, सिर्फ लेने की बात कर रहे, तो एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम ऑलरेडी मेरे लंग्स में पड़ा हुआ, और अभी क्या हुआ, रेसिडुअल वॉल्यूम तो पड़ा ही है, ये तो निकलता ही नहीं, इतने वॉल्यूम 1200 ml वॉल्यूम हमारे लंग्स में ऑलरेडी पड़े होते हैं, तो टोटल लंग्स कैपेसिटी की बात करना, टीवी 500 स्टार्टिंग में, वो तो हमेशा लेते रहते हैं छोड़ते रहते हैं, फिर 3300 आईआरवी इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम ऑलरेडी मेरे लंग्स में, मैं इंस्पायरेट किया तेजी के साथ अंदर खींचा, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम वो मैंने तेजी से निकाला नहीं, ऑलरेडी मेरे लंग्स में, और आरवी रेसिडुअल वॉल्यूम ऑलरेडी मेरे लंग्स में। इन सभी को जब हम कैलकुलेट करते हैं तो टीएलसी कितना हो गया 6000 ml। मुझे लगता है एक कॉन्सेप्ट आप लोगों का अच्छे से क्लियर हो गया होगा, यदि नहीं क्लियर हुआ तो फिर आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो अब हम यहां पे इसको करेंगे रिमूव, और हम यहीं पे बात करेंगे, इसको हम इसको करते हैं टोटल लंग्स कैपेसिटी, ठीक है, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी की जो हम लोगों ने बात किया था, इसका फार्मूला है टीवी प्लस आईआरवी, मैंने बताया था उसको आप लोग नोट कर लें, इतना डिटेल में हम नहीं चलते हैं, हम चलेंगे सिर्फ इसका वॉल्यूम, क्वेश्चन भी यहीं से राइज होता है, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी कितनी होती है लंग्स की, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी कितनी होती है, तो 3800 ml, ठीक है। फिर बात करेंगे वाइटल कैपेसिटी कितनी होती है 4800 ml, फिर बात करेंगे फंक्शनल रेसिडुअल वॉल्यूम कितना होता है 2200 ml, फिर टोटल लंग्स कैपेसिटी कितनी होती है 6000 ml, या 6 लीटर ऐसे भी पूछ सकता है कि टोटल लंग्स कैपेसिटी 6 लीटर, टोटल फंक्शनल टोटल लंग कैपेसिटी 6 लीटर, टोटल इंस्पिरेटरी कैपेसिटी कितना होता है 3 लीटर 800 ml, फिर वाइटल कैपेसिटी की बात करेंगे 4 लीटर 800 4.8 लीटर, फिर फंक्शनल रेसिडुअल वॉल्यूम कितना होता है 2.2 लीटर। इस तरह से हम लोगों को ये याद करना है, और इसका आप चाहे तो नोट्स बना लें, बहुत इंपॉर्टेंट है, और आप अगर देखेंगे तो इन सबसे एक क्वेश्चन एग्जाम में जरूर रह जाता है। बाकी यदि मेरा चैनल पसंद है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें।